हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आकाश पांडे और आप देख रहे हैं यूनिक से मिमिक योरसेल्फ यूनिक। कैसे हो आप लोग दोस्तों? आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि हाउ टू सर्वाइव इन कॉर्पोरेट। कॉर्पोरेट में कैसे सर्वाइव करें। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे, सर जॉब ही नहीं लग रही है, सर्वाइव करने में क्या है, सर्वाइव तो हम कर ही लेंगे। नहीं, जॉब आज नहीं तो कल आपकी 100% लगने वाली है गाइस। छोटी बड़ी, ज्यादा पैकेज कम पैकेज, ये तो फिक्स है। कोई भी प्राइवेट सेक्टर में अगर है तो उसका जॉब लगेगा ही लगेगा। लेकिन प्रॉब्लम कहां पे आएगी उसके बाद, वो जॉब में सरवाइव कर पा रहा है कि नहीं? क्योंकि आप बहुत से ऐसे बच्चों को देखोगे, एक महीने दो महीने जॉब करके घर पे बैठे हुए हैं, या फिर 6 महीने जॉब करके घर पे बैठे हुए हैं, या फिर कुछ ऐसे हैं जो कि 10,000 रुपए में ही 3 साल से रगड़ रहे हैं, उनकी ग्रोथ नहीं हो रही, 10,000, 12,000, 13,000, 14,000 पे ही अटके हुए हैं। तो ऐसी कौन कौन सी मिस्टेक्स करते हैं बच्चे जिससे फायर हो जाते हैं, जिससे ग्रोथ नहीं होती है, इसके बारे में इस वीडियो में आपको बताता हूं डीप में। गाइस पहले एक आपको छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगा। कल एक बच्चे ने मुझे कॉल किया और कॉल करके सिर्फ रोया नहीं, और मैं नाम नहीं बोलूंगा, बट सिर्फ रोया नहीं उस बच्चे ने, बाकी वो बहुत दुखी था। क्यों? क्योंकि उसकी सैलरी थी 10,000 रुपये। आप समझ सकते हैं 10,000 रुपये सैलरी में क्या होता है। और उसको एचआर को कॉल आता है, मतलब एचआर की तरफ से उसको कॉल आता है कि कल से तुम मत आना, मतलब उसको एचआर ने फायर कर दिया। ऐसे उसने कौन सी गलती की थी इसके बारे में भी बताता हूँ आपको। एचआर ने उसको बोल दिया कल से मत आना, ये तो बड़ा एक छोटा सा वर्ड था, बट आप एज्यूम कर सकते हो, मैं खुद एज्यूम कर सकता हूँ, उसकी जो करेंट सैलरी थी, 10,000 से जॉब स्टार्ट किया था एज ए इंटर्न, 14,000 करेंट सैलरी थी। अब 14,000 रुपये वाले पाने वाले बंदे का ये रहता है कि मुझे रेंट देना है 5,000, मुझे खाने को देना है, मुझे इसको देना है, मुझे घर पे देना है। किस तरह की एक मिडिल क्लास की फैमिली में सर्वाइव करता रहता है बेचारा, और उसी में अगर फोन आ जाता है, क्योंकि उनके पास नेक्स्ट मंथ का तो बजट है ही नहीं। तो जब नेक्स्ट मंथ का बजट नहीं है तो फिर आपको बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है उस चीज़ को। मैं बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर सकता हूँ कि मैं उस दौर से गया हुआ हूँ। चलिए, उसने गलती क्या की ये बताता हूँ गाइस शॉर्ट में, क्योंकि टाइम आपका नहीं लूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपको यूजफुल चीज़ें बताऊँगा जिससे आपके लाइफ में परिवर्तन आए। उसने क्या किया कि उसने उसको एज ए इंटर्न हायर किया गया था, 2 साल का बॉन्ड था। बॉन्ड अगर कोई कंपनी भराती है तो आप भर सकते हो, बॉन्ड आज के टाइम में पूरी तरीके से इनलीगल है, तो बॉन्ड का टेंशन मत लिया करो कि बॉन्ड मतलब हम फिक्स हो गए, ऐसा कुछ नहीं है। 2 साल का बॉन्ड था और उसको 1 साल तक बोला गया था आपको 10,000 रुपये मिलेंगे, इसके बाद का बॉन्ड में कुछ ऐसा क्लियर नहीं किया गया था कि कितना मिलेगा। तो उसको लगा चलो 1 साल तक मुझे एज ए इंटर्न रख रहे हैं, इसके बाद अच्छी सैलरी हो जाएगी। और उसको आइडिया नहीं था कि किस तरीके की सैलरी कॉर्पोरेट में है, डेफिनेटली वो फ्रेशर ही था एक तरीके से। उसने जॉब स्टार्ट किया और उसको जॉब में जो सैलरी मिलने लगी वो भाई इन कैश मिलने लगी। कैसे मिलने लगा? कैश मिलने लगा। तो उसको लगा चलो 1 साल तक मैं फ्रेशर हूँ तो, और मुझे इंटर्न में दे रहे 10,000 रुपये कैश, चलो ठीक है, कर लिया उसने। 1 साल के बाद उसको लगा आप चलो मेरी सैलरी जो है मुझे मिलने लगेगी, और उसको बोला भी गया था कि 1 साल के बाद आपको एज अ रेगुलर एम्प्लॉई रखा जाएगा, छुट्टियां भी उस तरीके से मिलेंगी, उसी तरीके से आपको सब कुछ, सारी सुविधाएं जो भी होती है, पीएफ वगैरह सब कुछ मिलेगा। लेकिन 1 साल के बाद भी उसको क्या मिलने लगा? वही 14,000 मिलने लगा सेम, और मतलब 4,000 रुपये एक्स्ट्रा बढ़ा के मिला। तो उसको ऐसा लगा कि यार 4,000 रुपये ही बढ़ा, ठीक है, एज अगर देखा जाए तो कंपनी के हिसाब से 4,000 रुपये एक बुरा अमाउंट नहीं था। अगर 10,000 से आपने स्टार्ट किया, 1 साल में अगर आपको 40% की ग्रोथ दे रही है, दैट इज़ गुड। ग्रोथ अच्छी नहीं है, परसेंटेज अच्छा है। उसको लगा मेरी सैलरी बहुत कम है, और उसको पीएफ भी नहीं कट करके दे रहे थे, और साथ ही साथ सैलरी भी अभी भी कैश में दे रहे थे। तो उसको ये लगा कि सब चीज़ें गलत हो रही हैं, मेरे करियर में मेरे साथ गलत हो रहा है। तो उसने जाके एचआर को ओनली बोला कि मैडम मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, मुझे सैलरी ऐसे चाहिए, अकाउंट में चाहिए, और हो सकता है कुछ थोड़ा बहुत इसकी भी गलती रही होगी, जितना उसने मुझे बताया, मैं उतना आइडिया लगा रहा हूँ। इसने बताया कि क्या बोलते हैं, मेरी सैलरी ऐसे ऐसे हो रही है, मुझे ऐसे चाहिए सैलरी, और एक अच्छी सैलरी चाहिए जो एक इंजीनियर की सैलरी होती है। अब एचआर ने किस सेंस में लिया पता नहीं, बट उसके बाद एचआर ने ध्यान नहीं दिया उस चीज़ पे, और उसने 10-15 दिन के बाद लड़के को लगा कि एचआर सुनेगी नहीं मेरा, डायरेक्ट उसने सीईओ को मैसेज कर दिया कि मुझे मेल कर दिया, मतलब कि मेरे साथ ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, मुझे अकाउंट में सैलरी चाहिए, एक स्टैंडर्ड सैलरी चाहिए, जो भी चीज़ें थी, एज ए रेगुलर एम्प्लॉय चाहिए, मुझे पीएफ मेरा कटना चाहिए, सब कुछ उसने मेल कर दिया। मेल करने के बाद दूसरे दिन एचआर ने शायद उसको डेफिनेटली बुलाया होगा सीईओ ने एचआर को, तो एचआर आई और एचआर को उसने बोला कि क्या मैटर है। तो एचआर ने अपना भड़ास निकाल दिया होगा नो डाउट, और भड़ास निकालते ही सीईओ को अच्छे तरीके से रोटेट किया होगा उसके माइंड को, तो सीईओ ने उसको बोला कि फायर कर दो। अब एचआर ने डायरेक्ट इसको फ़ोन किया और इसको फ़ोन करके फायर कर दिया। अब इसमें हुआ क्या गाइस, अब इसके पास कुछ भी प्रूफ नहीं है कि किस तरह से सीईओ को सफाई दे, इसने गलती क्या की इस चीज़ को समझो। इसने जो एचआर से ओरली बात किया था, ये सबसे बड़ी गलती इसकी थी। इसने क्या किया, ओरल में बात किया। अब ओरल में बात किया तो क्या होगा कि कोई प्रूफ थोड़ी है,
अगर कल को जाके उस यू को बोलता भी है कि सर आपने मुझे क्यों फायर किया, तो वो ये बोल देगा कि आपने एचआर को ऐसा ऐसा बोला था, एचआर तो कुछ भी कहानी बता देगी। बट अगर ऑन मेल होता तो उस वर्ड को आप चेंज कर पाते क्या? कभी भी एचआर को कुछ भी बताना है, एचआर से कुछ भी लेना है, तो याद रखना है एचआर को मेल करना, ठीक है, और साथ में अपने सीनियर को जो भी आपका रिपोर्टिंग मैनेजर होगा उसको सीसी में जरूर रखना। ये कॉर्पोरेट की सबसे बड़ी समझदारी है। उससे क्या होगा, ऑन प्रूफ आपके पास हो जाएगा, क्योंकि अगर कोई भी हायर पोजीशन का बंदा है आप पे ब्लेम करता है तो आपको सेव करने के लिए जो आपका मैनेजर है वो आपकी हेल्प करेगा। क्यों? वो सीनियर है तो वो आपके दौर से गुजरा हुआ है, और सीनियर को जूनियर से कोई खास प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। मतलब जो जूनियर है उसको सीनियर से होगी, पर सीनियर को जूनियर से नहीं होता, क्योंकि मतलब जो होता है ना दुश्मनी जो होती है बराबर के लोगों से होती है, अपने से बड़ों से नहीं, अपने से छोटों से भी नहीं होती है। फिलहाल तो बस सीनियर इतना ही दिमाग लगाते हैं कि वो आपके किए हुए काम की क्रेडिट खुद स्कोर करने की कोशिश करते हैं इन फ्रंट ऑफ मैनेजमेंट। ये कंपनी में बहुत चलता है। तो पहली चीज़ याद रखना, एचआर को कुछ भी मैसेज करना है, कुछ भी मेल करना है, ऑन मेल करो। पहला सर्वाइव करने का बेस्ट कंडीशन। कोई भी छुट्टी ले रहे हो आप ऑन मेल करो, ओरली मत बताओ, सैलरी कट जाएगी तब वो आपको जाके बताएंगे। किसी के साथ ऐसा हुआ होगा, जो भी मिस्टेक्स आपके साथ हुई है नीचे मैसेज करना है। उस आपके मैसेज से क्या होगा, लाइफ टाइम के लिए आपका मैसेज पड़ा रहेगा, कोई पढ़ेगा उसको सीख मिलेगी। तो कमेंट करके बताना कि आपने ऐसी कोई गलती की थी। सैंडविच लगा देंगे, आपको सैंडविच रूल नहीं पता है उस कंपनी का, और सैंडविच लगा के आपकी सैलरी कट कर दिया बहुत लंबी सी। तो ऑन मेल अगर सब कुछ करेंगे तो आपके पास रिटर्न प्रूफ रहेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, कहीं पर भी किसी कंपनी में कोई बॉन्ड भर रहे हो तो सब कुछ साइन करने से पहले एक बार पढ़ लो कि तुम्हें कैसे देने वाले हैं, सैलरी अकाउंट में देने वाले हैं कि कैश देने वाले हैं, या फिर कितने चेक से देने वाले हैं, क्या उनका प्रूफ है। क्योंकि साइन कर दिया फिर आप हो गया कि आपने खुद ही बोला कि भाई ऐसे लेने के लिए एक्सेप्टेड है, ठीक है। बॉन्ड तोड़ने का भी उनका रूल होता है, 40,000-50,000 का चेक लेते हैं क्या वो रूल है, या फिर सर्टिफिकेट लेते हैं वो रूल है, जो भी रूल है उसको प्रॉपर पढ़ लो। दूसरी सर्वाइवल कंडीशन ये है। तीसरी कंडीशन ये है, एचआर के साथ ज्यादा फ्रेंडली मत हो। कई एचआर इसमें वीडियो भी देख रही होंगी, मेरे हिसाब बहुत कई ढेर सारे एचआर हैं जो मेरे से कनेक्टेड है, बट मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं। एचआर से आपको कनेक्टेड नहीं रहना है ज्यादा। उसका रीजन क्या है, एचआर को मौका चाहिए होता है, क्योंकि एचआर के जॉब में है क्या, एचआर का मतलब है कि आप क्या कर रहे हो इसकी रिपोर्टिंग, प्लस आप अगर निकलने वाले हो तो आपके जगह पे एक नया बंदा तैयार करके रखे जिससे कंपनी को लॉस ना हो, ठीक है। तो एचआर आपको क्या करेगी, एचआर आपके दिमाग में लगाती रहेगी कहाँ पर जा रहा है, क्या कर रहा है, किससे मिल रहा है, इसके दिमाग में क्या चल रहा है, कहाँ अप्लाई कर रहा है, ये एचआर देखती रहती है। एचआर का मेन काम ही यही सब है, ठीक है। तो आप क्या करेगी, एचआर आपसे फ्रेंडली होने की कोशिश करेगी, आपसे बातें निकलवाएगी। और कहते हैं ना कि हम लोग के स्कूल में बोलते थे चुगलखोर, हर ऑफिस में 2-4 चुगलखोर होते हैं जो सोचते हैं कि मेरी चुगली करने से, मतलब मैं चुगली करूंगा, मान लो मैं हूँ चुगलखोर, ठीक है, हूँ नहीं यार, तो मैं हूँ, अगर मैं बात जाके एचआर को बोलता हूँ कि पता है क्या, ये जो नीरज है ना ये ऐसा है, ये जो राहुल है ये ऐसा है, ठीक है, तो उस एचआर को तो समझ आ जाएगा कि ये इंसान तो खुद ही खराब है, लेकिन ये नीरज और राहुल भी गड़बड़ कर रहे हैं, तो नीरज और राहुल को फायर करवाने की तैयारी करवाएगी। साथ ही साथ आपके माइंड, आपके लिए भी उसके माइंड में है, लेकिन आपको बोलेगी नहीं, आपको अप्रिसिएट करेगी, मतलब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वर तरह से बिहेव करेगी, आप सबको पता है उस कॉर्पोरेट में कैसे होता है, लेकिन कैसे आपके काटेगी आपको पता नहीं है। साथ ही साथ नीरज और राहुल का जो कटा हो तो बहुत बुरा। तो इस चीज़ का याद रखना है कि एचआर से ज़्यादा फ्रेंडली नहीं होना, प्रोफेशनल वे में ही रहना है। साथ ही साथ दोस्तों, आप जब ऑफिस में काम करते हो तो कलीग जो होते हैं आपके, कलीग को अपना बेस्ट फ्रेंड मत समझना। बेस्ट फ्रेंड की जो लाइफ होती है ना वो सिर्फ कॉलेज तक थी, कॉलेज के बाद कोई आपका बेस्ट फ्रेंड नहीं है, इस चीज़ को लिख लो। कॉर्पोरेट में टाइम नहीं लगेगा, मतलब मेरे साथ भी हुआ है इसलिए बता रहा हूँ, टाइम नहीं लगेगा आपकी बैंड बजा देंगे अगर उनका प्रॉफिट हो रहा है तो, ठीक है। मतलब छोटी छोटी चीज़ों के लिए आप उनको अगर लग रहा है कि तुम्हारी बुराई करने से या फिर तुम्हारा टांग खींचने से उनका क्रेडिट बढ़ रहा है, उनका 500 रुपये का इंसेंटिव हो रहा है, दे आर गोइंग टू डू डैट। वो आपको बिल्कुल नहीं सोचेंगे कि आपके साथ क्या होगा, आपकी जॉब चली जाएगी, आप कैसे सर्वाइव करोगे, उनको फर्क ही नहीं पड़ता है। इसलिए कलीग आपका बेस्ट फ्रेंड नहीं है, जस्ट अ फ्रेंड है। क्या है, जस्ट अ फ्रेंड है। गुड मॉर्निंग किया तो मैसेज कर दो, ज़्यादा अपनी बातें शेयर नहीं करना है, कंपनी में किसी के और के बारे में नहीं बताना है, क्योंकि उसमें से पता नहीं कौन है। मैं ये नहीं करूँगा सारे बुरे हैं, ठीक है, मेरे भी ऑफिस में बहुत अच्छे हैं जो क्या बोलते हैं मेरे अच्छे फ्रेंड हैं, लेकिन उनसे ऑफिस के बाद जब मैं मिलता हूँ तब अच्छा फ्रेंड रहता हूँ, ऑफिस तक मैं प्रोफेशनल ही रहा। तो उसमें से कौन चुगलखोर है कुछ पता नहीं है, मेरे साथ थे ऐसे कुछ,
ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने चुगली कर करके बहुत अलग अलग लेवल पे हमारे थोड़े बहुत जो प्रमोशंस वगैरह थे उन पे भी थोड़े वर्क किए कि ना हो, थोड़ी बहुत इंसेंटिव भी जो हमारी होने वाली थी उससे कम हुई, मतलब तरह तरह के फंक्शंस में होता है। इसलिए याद रखना, कलीग आपका बेस्ट फ्रेंड नहीं है, जस्ट अ फ्रेंड है, इस चीज़ को भूलना मत। कलीग एचआर, ठीक है, ऑन मेल, मेल पर आपको हमेशा सब कुछ देना है, मेल पर ही आपको छुट्टी देनी है, ठीक है। उसके बाद आपको अगर लर्निंग लेनी है तो झुक के रहना पड़ेगा। झुक के रहना मतलब ये नहीं कि हम तुम्हारे लिए पानी ला रहे हैं, झुक के रहना इन द सेंस कि आपको अपने जो सीनियर्स हैं ना उनको अप्रिसिएट करते रहना पड़ेगा। सर आपको ये भी आता है, सर आपको ये भी आता है, उससे बेनिफिट क्या होगा, एक तो उसको सबको देखो क्या होता है, आत्मप्रशंसा जो होता है इंसान की ये एक तरीके से बीमारी है, ठीक है। मेरी प्रशंसा तुम करोगे, सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, मुझे लोग बोलते हैं ना ऐप पर और कभी कभी वो डालते हैं कि सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, बहुत इजी लैंग्वेज हो वगैरह वगैरह, मुझे बड़ी खुशी होती है, एक तरीके से मेरी कमजोरी है। तो अगर आप सीनियर्स को बोलते हो कि क्या बोलते हैं सर आप बहुत अच्छा कर रहे हो, आप बहुत अच्छी डिजाइन कर रहे हो, तो मैक्स पॉसिबिलिटीज है कि वो आपको एक्सप्लोर करने का मौका देगा, वो आपको सिखाएगा भी और उससे आपका बेनिफिट होगा। तो ये पाँच चीज़ें अगर आप याद रखते हो तो बेनिफिट तो मैं बोल सकता हूँ बहुत हाई लेवल पे होगा और आपका ग्रोथ भी अच्छा होगा, क्योंकि वो मैनेजर जो है वो जाके आपका रिपोर्ट आगे एक तरफ जो उसके सीनियर मैनेजर होगा उसको अच्छा करेगा, सीनियर मैनेजर उसके आगे अच्छा करेगा, तुम्हारी ग्रोथ होने की जो वे है वो तेज चलेगी। उसके लिए अकड़ मत दिखाओगे, अरे नहीं मैं तो यही करूँगा, नहीं अकड़ नहीं, लर्निंग में अकड़ नहीं, ठीक है। जो अकड़ होगी जिसके अंदर वो सीख ही नहीं पाएगा गाइस। फिलहाल ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो, फिलहाल ये तो हमारे यूनिक सिविल चैनल है तो इसमें मैं ज़्यादातर कोशिश करता हूँ सिविल इंजीनियरिंग के बारे में डिस्कस करने के लिए, बट मेरा एक दूसरा चैनल है आकाश पांडे करके, तो उसमें बहुत से बच्चे से कमेंट कर रहे, तो मैंने सोचा चलो उस पर ट्राई करते हैं। तो उस पर मैं इस तरह के ढेर सारे टॉपिक्स, किस तरीके से एचआर को हैंडल करना है, एचआर इंटरव्यू कैसे क्रैक करना है, ये सारी चीज़ें डिस्कस करने वाला हूँ। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो मेरा चैनल जो पर्सनल चैनल है आकाश पांडे करके, वो उसको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ, जाइए उसको सब्सक्राइब करके रखिए। बहुत ही जल्दी उसके अंदर ब्लॉगिंग्स, कुछ ऐसे ऐसे आपको इन्वेस्टमेंट की चीज़ें बताने वाला हूँ, किस तरह से इन्वेस्टमेंट करके मेरे को थोड़ी बहुत ग्रोथ मिली और उस तरीके से आप करके आपको क्या बेनिफिट हो सकता है, वो सारी चीज़ें भी वहाँ पर डिस्कस करूँगा। आपकी सैलरी में जो बचत हो उससे कैसे आप अपने आप को एक्टिव कर सकते हो, अपने अमाउंट को सेव कर सकते हो, वो सारी टेक्निक मैं आपको डिस्कस करूंगा उस चैनल पे। तो अगर आपके पास, आप यहां तक देखें तो डेफिनेटली आप मुझे कुछ हद तक जानते हैं, अगर जानते हैं तो जाके उसको सब्सक्राइब करके रख लीजिए। बहुत जल्दी उस पे सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं, फुल डिस्कशन करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू लाइक दिस। जय हिंद जय भारत। आप अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करना, ये लाइफ टाइम के लिए कमेंट रहेगा, जो आपके कमेंट को देखेगा उसको सीख मिलेगी कि अच्छा हाँ यार इन्होंने ये गलती की थी, ये नहीं करना है, इन्होंने ये गलती की थी। तो आप अपनी एक मिस्टेक्स बताओ कॉर्पोरेट में आपने क्या की है, तो हो सकता है लोगों का भला हो जाएगा। और भला मैं हमेशा बोलता हूं, जिसकी भला आप करोगे वो का भला ऊपर वाला करता है। थैंक यू सो मच।